तो आज हम जा रहे हैं बोधगया। ये गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये करीबन राजगीर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ज़्यादा दूर नहीं है। रास्ते आप देख रहे हैं कि काफ़ी सही हैं और बहुत सुंदर भी हैं रास्ते। रास्ते भर में पहाड़ आते हैं। और बोध गया और गया आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। गया जो कि एक शहर है, गया के अंदर एक विष्णुपद मंदिर है जहाँ पर पिंडदान वगैरह किए जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि दान जो है, पिंडदान जो है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा महान गया के माने जाते हैं। तो इसी वजह से गया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बोध गया इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध, या फिर गौतम बुद्ध कह सकते हैं हम जिन्हें, या सिद्धार्थ कहा जाता है जिन्हें, अलग अलग नामों से जिन्हें जाना जाता है, उन्होंने मतलब एक तरीके से इनलाइटमेंट हुई थी उन्हें, और उन्हें मतलब ज्ञान हुआ था या फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पेड़ अभी भी वहाँ है, और उस मंदिर कॉम्प्लेक्स को महाबोधि टेम्पल कहा जाता है। हम लोग बोध गया पहुँच गए हैं। ये गया से करीबन 15 किलोमीटर आगे है, और बोध गया हम लोग अपनी गाड़ी पार्क कर दी हमने। तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो महाबोधि टेम्पल है, और जहाँ पे इनलाइटमेंट हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो अभी रास्ते में हम वॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब सुबह से बैठे बैठे काफ़ी बोर हो गए थे, तो इस वजह से थोड़ा वॉक कर रहे हैं। 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी खड़ी कर दी थी। बाकी रिक्शे चलते हैं और कैब्स वगैरह भी चलती हैं, ई रिक्शे बहुत चलते हैं यहाँ। चाहें तो 10-10 रुपए में, 20-20 रुपए में बार्गेन करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि पहले कुछ खा पी लें, फिर उसके बाद मंदिर दर्शन किए जाएँ। तो अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, अभी 10-15 मिनट में खा पी के फिर निकलते हैं मंदिर की तरफ, फिर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से, किस आर्किटेक्चर पे है। वैसे जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक, नागरा शैली पे बना हुआ है मंदिर का आर्किटेक्चर, और कई कई पार्ट्स में, कई कई चरणों में पूरा किया गया है। तो चलिए अभी मंदिर की तरफ चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं फिर मंदिर दिखाते हैं।
यहाँ पे बोध गया में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि बहुत सारी अलग अलग बुद्धिस्ट कंट्रीज ने बनाए हुए हैं, और ये सब के सब लॉर्ड बुद्धा के लिए बनाए हुए हैं, भगवान बुद्धा के लिए बनाए हुए हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं वो भी एक मंदिर है, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से मंदिर है, नेपाल का, ताइवान का, जापान का, कोरिया का, चीन का, बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं, और ये सब एकदम फ्री होते हैं विज़िट करने के लिए। आप जाके बिल्कुल शांति से विज़िट कर सकते हैं। और ये बाज़ार का एरिया है, तो बाज़ार का एरिया में तो चहल पहल होनी बिल्कुल लाजमी सी बात हो जाती है। और वैसे मतलब मार्केट एरिया काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें मिलती हैं। ये जो आप लेफ्ट में जो मंदिर देख रहे हैं, ये शायद ताइवान का मंदिर है, और यहाँ पे हर किसी ने ना अपने अपने हिसाब से मंदिर बनाए हुए हैं, अपने अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से। ये भूटान का मंदिर था, और काफ़ी सही लगता है यहाँ पे मार्केट में घूमना। बहुत सारे आपको मॉन्क्स देखने को मिलते हैं, और जो बुद्धिस्ट परंपरा के अंदर जो चीज़ें मतलब जिस तरीके से भगवान को पूजा जाता है, माला, ये सारी चीज़ें, मूर्तियाँ, ये बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सही मज़ा आता है। और जैसे इस रोड पर हम सीधा चलते जाएंगे तो महाबोधि जो टेम्पल है, मेन जो टेम्पल है उसके कॉम्प्लेक्स में पहुँच जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मंदिर यहाँ आकर देखने के लिए। हम लोग अभी आ चुके हैं महाबोधि, जो मंदिर है बोध गया के अंदर, जहां पे भगवान बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति की थी, और मतलब एक तरीके से परम सत्य का उनको ज्ञान हुआ था, ये कह सकते हैं हम। तो ये अभी यहाँ पे सजा हुआ है मंदिर का, जो मेन एंट्री है, मंदिर परिसर है, जो वहाँ उधर मंदिर है, हम इधर से एंट्री करके चेकिंग वैकिंग करा के अंदर जाएंगे। यहाँ जूते चप्पल उतारने की दुकान है, मोबाइल जमा करने की दुकान है, और कैमरा के लिए अलग अलग चार्जेस हैं, हैंडीकैम के लिए, वीडियो कैमरा के लिए, और शायद मोबाइल जो है वो अलाउड नहीं है। तो अभी मतलब 50-50 है इस चीज़ के बारे में, 50-50 है, तो हम लोग अभी देखते हैं, पर कोशिश करेंगे पूरी कि हम लोग हर तरीके से सब कुछ ले जाएं इसके अंदर, और पूरा कवर करने की कोशिश करें, पूरा दिखाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि भाई मतलब हर मोमेंट को एंजॉय कर पाएं और एंजॉय करते हुए दिखा पाएं। ये यहाँ पर 17th इंटरनेशनल चैंटिंग सेरेमनी का जो समारोह है, उसकी वजह से सब कुछ तैयारियाँ हुई हैं। तो चलिए अभी फ़ोन वोन कैमरा वैमरा जमा कर देते हैं, जूते वूते अभी सब यहाँ सबमिट कर देते हैं, फिर इसके बाद अंदर चलते हैं, और फिर कोशिश होगी कि दिखाया जाए, अगर फ़ोन अलाउड हो तो दिखाते हैं आप लोगों को। भीड़ है अभी, शाम का टाइम हो रहा है, करीबन 3:30 बज रहे हैं, फिर भी भीड़ है यहाँ पर। तो दर्शन हम लोग करके आ चुके हैं, और कैमराज अलाउड है, लेकिन उसके लिए वो स्पेसिफिक कैमरा अलाउड है, जिनके अंदर सिम कार्ड नहीं होता, तो उसके अलग अलग चार्जेस हैं, जैसे हैंडी कैम का अलग है, कैमरा का अलग है, और जो फुल्ली डिजिटल एक तरीके से जो कैमरा होता है वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, उसके चार्ज अलग है। फोन्स अलाउड नहीं है, और फोन स्पेशल परमिशन पर अलाउड है, जो लोग यहाँ महीनों से रहते हैं, जो लोग यात्रा में आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल पास बनता है, और वो पास काफ़ी दिनों में जाके बनता है। वो जो अभी पीछे देख रहे हैं वो मंदिर है, थोड़ा सा ही एंट्रेंस है, ज़्यादा लंबा नहीं है, और 2 मिनट वॉक करते ही मंदिर आ जाता है। मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, और मंदिर जैसा कि कुछ लोगों ने बताया और जैसा कि पढ़ा मैंने, वो नागरा शैली में है मंदिर, और देखने में लगता है कि साउथ इंडियन स्टाइल का है, पर ऐसा नहीं है, नागरा शैली में है मंदिर, और मंदिर को कई बार कंस्ट्रक्ट किया गया है, और मंदिर में अंदर मतलब परिसर है काफ़ी बड़ा। तो मंदिर में एक जगह ऐसी भी है जहां पर मतलब भगवान बुद्ध जो है वो पानी के अंदर ध्यान कर रहे थे, और मूसलाधार बारिश और तूफान आ गया, तो उसकी वजह से एक शेषनाग निकले पानी से, उन्होंने उनकी फन फैलाकर रक्षा की। तो इस तरीके का भी है, और एक जो महाबोधि वृक्ष है वो भी है बिल्कुल मंदिर के जस्ट पीछे, और बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने उसी वृक्ष के नीचे
जो है कि मतलब इनलाइटमेंट हुआ था उनको, उनको ज्ञान और या फिर सच की जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो उस तरीके का है। और मंदिर में अलग अलग पार्ट्स हैं बेसिकली। तो मेन मंदिर है जो वो गर्भगृह कहा जाता है, जैसा कि वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और अभी तो जैसे फंक्शन चल रहा है, तो बहुत अलग अलग कंट्रीज से, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और दो चार और पांच कंट्रीज से, अलग अलग श्रीलंका, अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो लोग आए हुए हैं। और मतलब सैकड़ों की तादाद में ग्रुप्स में बैठ के चैंटिंग चल रही है प्रॉपर भाई। मतलब हर लैंग्वेज में आपको चैंटिंग सुनने को मिलेगी, आपको चाहे वो समझ में आती हो या ना आती हो, पर हर लैंग्वेज में आपको चैंटिंग सुनने को मिलेगी। और मतलब बहुत तरीके से चैंटिंग चल रही है, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, लोगों की बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट है, सब लोग एक ही टोन में, एक ही धुन में चैंट कर रहे हैं। और मतलब कानों को एकदम मतलब ऐसा लगता है कि क्या सुन रहे हैं हम, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा सुंदर और एकदम मन मोह लेने वाला है। चाहे आपको वो लैंग्वेज आती हो या ना आती हो, भगवान का नाम इतना ही काफ़ी होता है, बस कानों को सुनना चाहिए। मतलब इतनी तादाद में लोग हैं अंदर। और ये जो प्रोसेस है, ये जो चैंटिंग वाला जो है, ये काफ़ी दिनों तक चलेगी। तो अभी भीड़ है, भीड़ बढ़ी हुई है, काफ़ी हाई सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी टाइट है, तो आपको दो तीन बार चेक करते हैं फिर अंदर एंट्री देते हैं आपको, तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। और मेरे हिसाब से तो बड़ी शांति की जगह है। अगर आप मतलब लिटरली मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, तो आप मेडिटेशन की भी ज़रूर बात करते हैं, तो हर कोई आदमी औरत जितने भी लोग हैं, जो भी यहाँ पर आए हैं भगवान के दर्शन करने और जो भी चैंटिंग करने के लिए आए हुए हैं, वो सब के सब मतलब मोक्ष प्राप्ति भी उनका मतलब वही उनका मेन शायद हो सकता है उद्देश्य है। तो सब लोग मेडिटेशन में बैठे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन में बैठे हैं, बहुत शांति, एकदम सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और जो लोग चैंट कर रहे हैं, वो लोग बुक्स से देख देख के अपना पढ़ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, कोई पाली में पढ़ रहा है, कोई कंबोडियन में, कोई वियतनामीज में, मतलब अलग अलग, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा ही। और वाइब्स ऐसी आती हैं कि मतलब त्याग दो और बैठ जाओ और आराम से मेडिटेशन करो, बस मेडिटेशन करो और बस मेडिटेशन करो। तो ये आज का था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। भीड़ है, मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी दो चार बार आता रहूँ और ऐसे टाइम पे कभी आने की कोशिश करूँगा और मैं ऐसे टाइम पे आके दिखाऊँगा कि कितनी भीड़ रहती है, जब मतलब बहुत कम भीड़ हो और जब लिटरली मतलब शोरगुल पब्लिक का ना हो, मतलब पब्लिक का उन लोगों का हो शोर जो चैंट कर रहे हों, मतलब शोर तो नहीं कहते उसे, लेकिन वो लोग हों। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा, आगे भी आऊँगा। और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी जगह है, जैसे कहा जाता है कि बोध गया जाओ, बोध गया जाओ, तो लग रहा है कि बोध गया जाके कुछ तो अच्छा हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसी तरीके से सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए और आगे मतलब उसी तरीके से बढ़ाते रहिए चीज़ों को। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ जो जगह जगह घूमता हूँ और ऐसी ऐसी इंडिया की चीज़ें, मतलब मैं बेसिकली अपने इंडिया को ही जानना चाहता हूँ। तो मेरा मेन मोटिव यही है, मैं इंडिया को ही देखना चाहता हूँ अपनी आँखों में, अपने दिल में। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आप सब तक पहुँचाने के लिए, मेरी नज़रों से और मेरे कैमरे की नज़रों से ऑल्सो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।